प्रणाम उत्तराखंड, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। आपको मालूम है कि हम गांव के भ्रमण में हैं और पहाड़ की पगडंडी इस वक्त पहाड़ की तरफ निकल चुकी है। जी हाँ, पहाड़ों के बीच में जब हम पहुँचे तो हम जैसे ही बैजनाथ पहुँचे तो हमें पता लगा कि जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर एक भव्य पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो हम भी पहुँच गए उस पुस्तक मेले में जानने के लिए कि क्या है हमारा कल्चर, क्या है हमारा साहित्य। स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। तो आज यहाँ हम बात करने वाले हैं बहुत सारे लोगों से। अभी मेरे साथ जो पहला स्टॉल है ये हमारी फोटोग्राफी और एपन आर्ट का है, और इस एपन आर्ट की विशेषता यही है कि जब अब पहाड़ की बात आती है, पहाड़ के रीति रिवाजों की बात आती है, तो उस वक्त जो है हमारी एपन कला एक विशेष महत्व रखती है, एक विशेष योगदान देती है। फ्री आप एक मिनट जी। एकता मेरे साथ हैं जो कि अल्मोड़ा से हैं और एपन बनाते हैं आप। एपन आर्ट और क्या क्या करती हैं? एपन आर्ट के साथ साथ पेंटिंग्स और एपन को इंक्लूडिंग एज अ डिजाइन माइंड करती। कुछ अपने आर्ट को दिखाइए और उसके बारे में बताइए। सर, जैसे आप ये देख रहे हैं नंदा देवी, नंदा सुनंदा, और उसके साथ में हमने एपन की बॉर्डर्स दी है। तो दोनों पेंटिंग हमारी उत्तराखंड की और एपन, क्योंकि नया लुक थोड़ा किया है, नया कुछ करने की कोशिश की है नंदा और सुनंदा के। ऐसे ये छोलिया नृत्य है, तो इसमें जो यूज हुआ है ये कैनवास, सर कैनवास यूज हुआ है। साथ ही बहुत ही सुंदर से थालियाँ हैं। ये सर स्टील्स की थाली है जिसको हमने पेंट करके पूजा थाल के रूप में एज अ उसमें हमने अपन दी है। क्या बात, बहुत शानदार। तो कैसा चल रहा है जिला प्रशासन ने जो रखा हुआ है यहाँ पर? असल काफ़ी अच्छा है, दो दिन की एग्जीबिशन है तो काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा। अच्छा, इसके बारे में बताइए, कहाँ से सीख रहे हैं, कहाँ से सीखा? सर मेरा नाम एकता है, मैं अल्मोड़ा से हूँ रहने वाली प्रॉपर, और मैंने ये बचपन से ही सीखा है क्योंकि हमारे घरों में आपको गाँव में तो सभी लोग को पता है कि एपन घरों से मिल जाता है, तो ये जो एपन है वो मैंने घर से ही सीखा है। बाकी जो मेरी पेंटिंग्स का है वो मेरे को बचपन से ही इंटरेस्ट था पेंटिंग्स में, तो मैं 12th में मेरी पेंटिंग्स ली मैंने। उसके बाद मेरी 12th की मैम ने बताया कि बीएफए कुछ होता है, तो बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट मैंने इसका कोर्स किया है, 4 साल का कोर्स रहता है बीएफए का। उसके बाद मैं अभी पेंटिंग्स और एपन दोनों मिक्स करके नई न्यू लुक्स बैक कुछ पेंटिंग्स का एपन का बनाती हूँ, हर बार कुछ ना कुछ नया करते रहती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। जी सर। तो हमारी एपन आर्ट जो है, जब से बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की क्लासेस अल्मोड़ा में आई तो अधिक से अधिक लोगों ने, अधिक से अधिक बच्चों ने उसे ज्वाइन किया है जो इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों पर। और यहाँ पर मुझे कुछ नया दिखाई दे रहा है, नक्षत्र। आप लोग तो फिर हम प्लीज नक्षत्र आपकी कंपनी है? हाँ। अच्छा, गुड नेम आपका? कविन सिंह। कविन, तो मुझे बताएंगे कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में? ये सर हमारी पेंटिंग से कुछ करके अभी लगा रखी हमने, तो ये सारी इन्फॉर्मेटिक या पेंटिंग सिंह साहब पे नहीं करते हैं? यस सर। ओके, बताओ ये पेंटिंग जो है वो रिलेट करती है एस्ट्रोलेशन जी, बिल्कुल, और टेलीस्कोप एंड ऑल जो है वो प्रोजेक्ट सब फंक्शनल है सर जी। तो ये जो मेनली टेलीस्कोप है सब हमारी है, और आप जैसे ये पहली वाली टेलीस्कोप देख रहे हैं ये कम। हाँ जी, हाँ, आपका गुड डे मेरा सर यश। यश यश यस यश। ओके, तो बेसिकली सर ये जो ये वाली टेलीस्कोप है ना, ये आपकी एकदम टेक्निकल वाली टेलीस्कोप है, कंप्यूटराइज टेलीस्कोप है, तो सब इसकी मदद से ही हम पूरा दिखा सकते हैं। कहाँ तक क्या दिखा सकते हैं? एक्चुअल में आप इससे सब कुछ देख सकते हैं, नेबुलास तक देख सकते हैं इसमें, और गैलेक्सीज देख सकते हैं प्रॉपर वे में, जो हमें विजिबल हो सकती हैं टेलीस्कोप की मदद से, वो हम प्रॉपर देख सकते हैं इंसान में। तो इसमें क्या फंक्शन होता है कि इसमें मोटर भी होती है, प्लस आपका यहाँ से ना, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से पावर सिस्टम भी है, तो ये पूरी जर्मनी बिल्ड है।
ओके। और तो मान लीजिए कि अगर कभी ख़राब हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो हमें सीधे वहीं से इंपोर्ट करना होता है। हाँ जी। तो और इसका एक और फंक्शन है कि जैसे और टेलीस्कोप तो हमें हैंड से ये देख रहे हैं आप, ये जितने भी है ना सब हैंड वेट है और हैंड से वो करनी होती है प्रॉपर पोजिशन। बट इसमें क्या एडवांटेज होता है कि हम कंप्यूटराइज होते हैं तो हम लैपटॉप में सब फिट कर देते हैं, तो ये अपने आप ही कर लेता है जॉब ऑपरेट। हाँ जी, अपने आप हो जाएगा, बस हमें फंक्शन देना है। तो बहुत सारे एस्ट्रो फोटोग्राफर्स होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, तो वो भी ऐसे ही टेलीस्कोप से लेते हैं। इन टेलीस्कोप से नहीं हो सकता, इससे होती है जो नाइट की आप मिल्की वे की देखते हैं एडवांस। हाँ जी, एडवांस है एक्चुअली। और ये सारी ट्रेडिशनल वाली है, ट्रेडिशनल जो आपको खुद वो करनी है, दिखता इस पर भी है जी, दिखेगा आपको इसमें भी। और बट इसमें क्या हो जाता है, फंक्शंस ईजी हो जाते हैं एक तरह से। ये बहुत ट्रिकी वाली है। क्या एम है आपका? हम लोग का सर एक्चुअली में एम ये है कि हमें एस्ट्रो से रिलेटेड चीज़ें जो कम हो चुकी हैं, बहुत लोग को इंटरेस्ट है बट लोगों के पास स्पेस नहीं है, लोगों के पास एक ज़रिया नहीं है कि हम नॉलेज ले लें। अब बहुत लोग को क्या होता है कि पसंद है, फ़ोन देखना पसंद है, उसके बारे में जानना पसंद है, बट वो उनको एक सोर्स नहीं मिल पाता है। तो हम एक्चुअली वह वो सोर्स बनना चाह रहे हैं कि नैनीताल में भी एरीज। हाँ, नैनीताल में एरीज है, उसके साथ सर ने काम किया है। हाँ जी। तो उससे हम डिफरेंट है, तो ये नक्षत्र हमारी कंपनी है। ओके। हाँ जी सर। तो आपका बेस कहाँ से है? बेस अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से? हाँ जी। हम मतलब एक रिमोट तरीके से मान लीजिए, अभी ऐसा नहीं है कि हम अल्मोड़ा पे बेस्ड है, तो हम अल्मोड़ा में ही करेंगे। हमको जहाँ से मिलता है, जहाँ लोगों को इंटरेस्ट होता है, हम वहाँ पे करवाते हैं जी। हाँ जी सर, बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। और एक नई तरीके का स्टार्टअप जी देखते को मिला, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बिल्कुल। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जब अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद रहेंगी तो लोगों को भी जानने को मिलेगा, बच्चों को भी जानने को मिलेगा। और मेरे पीछे देखेंगे आप बच्चे ये पेंटिंग कॉम्पिटिशन पे भाग ले रहे हैं, ये भी बहुत शानदार है। आइए किताबों की तरफ बढ़ते हैं। बैजनाथ किताब कौदिक मेरे साथ यहाँ पर भाई साहब मौजूद हैं। सर एक मिनट, प्रिया जी आपका गुड नेम? आनंद सेन। आनंद जी, आनंद जी बताइए कौन सा प्रकाशन है, कौन कौन सी किताबें आपके पास? अंकित प्रकाशन अल्वानी। अंकित प्रकाशन, कौन कौन सी किताबें आपके पास हैं? अरे उत्तराखंड के ऊपर कल्चर के ऊपर है सर। कल्चर से ऊपर किताब और कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के ऊपर कोई कल्चर के। अगर मैं आपको कहूँ कि किसी नए लड़के को, किसी नई लड़की को उत्तराखंड के कल्चर के बारे में जानना है तो कौन सी किताबें आप उनको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप तो किताबों के नज़दीक है? हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड के बारे में जो कि काफ़ी युवा पीढ़ी नहीं जानती है, हमारा जो पीछे कल्चर था इसका। मैं इसमें प्रोफेसर डी डी शर्मा, ये जो है अवार्ड भी मिला है उनको पद्म विभूषण, कौन राइटर नहीं लिखी है सारी बुक्स मतलब कम्प्लीट। मैं टोटली मतलब वो कलेक्शन कर रखता है जो कि आज के बच्चे जाने पर ये इसमें उत्तराखंड का कल जा सकते। हाँ जी बिल्कुल। तो आप कहाँ से हैं? हम हल्द्वानी से सर। हल्द्वानी से? हाँ जी, वहीं पे हमारा ये ऑफिस भी वहीं पे। अच्छा, वहीं पर ऑफिस। हाँ जी करेक्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बढ़िया किताबें आपने सजेस्ट की हैं, जरूर पढ़ें जो भाई साहब ने बताए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पहरू कुमाऊनी और मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर कुमाऊनी पर तो आप बेहतर काम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर कुमाऊनी को लेकर आए हुए हैं तो क्या विशेष है आज के लिए यहाँ स्टॉल के लिए बच्चों के लिए? ये और जो किताब पौतिक लगा है इसमें हमारे पास में कुमाऊनी भाषा साहित्य संस्कृति प्रसार समिति नाम अभी एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा पहरू पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है और कुमाऊनी किताबों का प्रकाशन किया जाता है। तो हमारे पास में जो अभी साहित्य उपलब्ध है कुमाऊनी की विभिन्न विधाओं में, चाहे वो कहानी, कविता, व्यंग्य, संस्मरण, आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत आदि जितनी भी विधाएं होती हैं, हर विधा में किताबें उपलब्ध हैं और बच्चे उनमें बढ़ चढ़ करके दिलचस्पी ले रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो पढ़ने की संस्कृति विलुप्त होती जा रही है वो फिर से पुनर्जीवित हो और बच्चे उस रुचि लें और अपनी दुधबोली में भी साहित्य का विकास। टीका जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और कुमाऊनी की मासिक पत्रिका यहाँ से निकलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मासिक करने के लिए जी। और यहाँ किताबों का
जो है एक समावेश आपको देखने को मिलेगा। बच्चों की आर्ट हो रही है, अलग अलग जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं। और सही मायने में मैं इतना ही कहूँगा कि जब हम बात करते हैं साहित्य की, जब हम बात करते हैं संगीत की, जब हम बात करते हैं अपने कल्चर की, तो उस वक्त ज़रूरी हो जाता है इस तरह के गौतिक को लगाना। तो ज़िला प्रशासन बागेश्वर ने इतनी बड़ी और इतनी अच्छी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई है, मुझे लगता है कि एक सार्थक पहल है। और सार्थक पहल उन क्षेत्रों के लिए जो पहाड़ से रिलेट करते हो, जो गाँव से रिलेट करते हो। फिलहाल कैसे लगा आपको ये गौतिक, मुझे ज़रूर बताएँ। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देख रहे हैं। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।